अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है माजिद। तो एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो यार ये वीडियो भी जापानी गैस हीटर के ऊपर है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो जिन जिन के ये हीटर ख़राब हो रहे हैं ना, ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने मेरी फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो ओपन की है तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इसके ऊपर 5-6 एक वीडियो बनाई हुई है हीटर्स के ऊपर, तो आप वो भी जाके चेक कर लो। तो ये जो आप मेरे हाथ में अडाप्टर देख रहे हैं आज, इसके ऊपर फॉल्ट है। अब ये फॉल्ट है क्या, मैं ये पहले बता देता हूँ। ये एक भाई है जिसने घर में ले जाकर डायरेक्ट लगाया है, जिससे इसकी जो प्रोटेक्शन थी वो उड़ गई है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। अगर वो प्रोटेक्शन अगर बच जाती है ना, अगर सेफ हो जाती है, तो उसके पास ये ट्रांसफार्म होता है जो मेरे हाथ में। ये 110 अडाप्टर है, ये नया नहीं मिलता, ये रिपेयर होता है। मैं फिर बता दूं कि ये जो जापानी गैस हीटर होता है ये 120 होता है, 220 नहीं होता, इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, इसके लिए अडाप्टर मिलता है, ठीक है। तो इसका जो हमने अडाप्टर है वो भी हमने इंस्टॉल कर दिया, कि यानी कि वो आप ऊपर देख रहे हो लगा हुआ, मैं आपको आगे चल के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये है भाई ने जब ये डायरेक्ट लगाया तो ये इसका जो ट्रांसफार्म था ये जल गया। ये 120 है, ये नया नहीं मिलता, इसे रिपेयर करवाया, यानी कि इसे वेल्ड करवाया गया, या रीफर्निश बता दो कि ये कराया गया। अब इसको रीफर्निश करवा तो ले, हमने रीवाइंड करवा तो ले आए हैं, लेकिन ये फिर भी वर्किंग नहीं किया। क्यों नहीं किया, अभी तो ये टांगे रीसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। आपको अभी फिलहाल तो लग रहा होगा कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन ये नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि इसके जो फॉल्ट था ये ट्रांसफार्म का ही था, ये जला हुआ था, लेकिन इसके साथ जो इसकी प्रोटेक्शन थी वो सेफ थी। अगर आप डायरेक्ट बिजली पे लगाओगे ना तो ये इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, और एक VTR होता है, ये दो प्रोटेक्शन होती है, एक फ्यूज़ होता है, वो उड़ जाती हैं। जब अगर वो नहीं उड़ती ना, तो सबसे पहले इसका ये जो ट्रांसफार्म जो भाई ये रीसोल्ड कर रहे हैं ना, ये उड़ जाता है, ठीक है। अब इसका जो ट्रांसफार्म उड़ा हुआ था, हमने इसका रीवंड करवा के लाए हैं, तो जब इसे लगाया है तो ये फिर भी वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजह मैं बता देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं, ये जब तक बोर्ड के साथ अटैच ना हो प्रॉपर, इसके जो उसको क्या कहते हैं, सोल्डर आयरन के साथ इसके टांके ना लगे ना, तब तक ये वर्क नहीं करता। काफ़ी देर हमें लग गई है इस अडाप्टर को, क्योंकि ये वीडियो में आप देख रहे हो 2 मिनट की, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मिनट की थी, मैंने क्रॉप की है वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो थी। और ये 110, ये 220 अडाप्टर है जो हमने इंस्टॉल किया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कि कस्टमर थोड़ा सा कंजूस था, इसने पैसे पूरे नहीं भरे, तो ये कि इसलिए हमने इसे सस्ता अडाप्टर लगाया। वैसे इसका हम अडाप्टर थोड़ा सा अच्छे वाला लगाते हैं, हल्का अडाप्टर नहीं लगाते, क्योंकि ये बार बार ख़राब होने से बचाने के लिए होता है, कि आप डायरेक्ट लगा लेंगे तो आसानी से इसकी जो तार हम बाहर निकाल के आप 220 से लगा सकते हैं। तो जो इसका ये मैं आपको 110 अडाप्टर बता रहा हूँ, ये इस वजह से है कि ये जो इंसान है इसे प्रॉपर बोर्ड के साथ अटैच करना पड़ता है, फिर जाके ये बात करता है, उसके बगैर ये नहीं करता। अगर किसी